नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभि और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, वी आर राइट हियर एट द वन प्लस इवेंट फ्रॉम बार्सिलोना, जहां पे वन प्लस वॉच 2 फाइनली लॉन्च हो चुका है। एंड यस गाइस, यहां पे हमारे पास वो एक्चुअल वॉच है। ये जो पर्टिकुलर वॉच है ना, यहां पे वेयर ओएस के साथ आती है। एंड गाइस, यहां पे डिस्प्ले सुपर्ब आपको देखने मिलता है। डेफिनेटली एक एमोलेड डिस्प्ले है। एंड यहां पे साइड में आपको एक बटन देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से डेफिनेटली आप मेन मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। एंड साइड में यहां पे आपको एक बटन देखने मिलता है, जिसे प्रेस करते हैं यहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का भी सपोर्ट देखने मिलता है। एंड यस, यहाँ पे हम लोग इवेंट में, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज वगैरह सुनने मिले तो प्लीज इग्नोर कीजिए उसे। सिलिकॉन स्ट्रैप्स आपको देखने मिलते हैं। डेफिनेटली आप इन सिलिकॉन स्ट्रैप्स को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा नॉब आपको देखने मिलता है। एंड यस गाइज, यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, आपको सुपर स्मूथ देखने मिलता है, जहाँ पे 60 हर्ट्ज का फील आपको देखने मिलता है। यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड किए, यूट्यूब म्यूजिक का भी आपको सपोर्ट देखने मिलता है। एंड जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको कंपस भी बिल्ट इन देखने मिलता है। एंड यस, ये एक डेफिनेटली बढ़िया वॉच है। बिल्ट इन जीपीएस भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे आपको ढेर सारे वर्कआउट मोड्स देखने मिलते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग जैसे ढेर सारे फैक्टर्स देखने मिलते हैं। एंड यस गाइज, यहाँ पे हम इन शॉर्ट देखते हैं इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच की UI को। तो यस गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक एंड फील आपको इस पर्टिकुलर वॉच का देखने मिलता है। एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले भी उन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ पे ये जो बटन है ना, इसे प्रेस करते आप मेन मेन्यू में जाओगे, जहाँ पे आपको ढेर सारे एप्लीकेशन देखने मिलते हैं। प्ले स्टोर का भी सपोर्ट यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया। करंटली ये सेटअप नहीं है। एंड यस, उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं और एक बार प्रेस कर रहा हूँ, आपको कॉलिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। कंपस भी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया, टॉर्च है, प्ले स्टोर है, AI वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट पैरामीटर्स, ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं। अलार्म्स वगैरह, ढेर सारी चीज़ें आप इसकी हेल्प से यहाँ पे सेट कर सकते हो। वॉलेट्स का, गूगल वॉलेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे आप सारी चीज़ें इसके अंदर फीड कर सकते हो। यहाँ पे और एक बटन आपको देखने मिलता है, जिसे प्रेस करते यहाँ पे आप डायरेक्टली जो स्पोर्ट्स मोड है ना, उसे टर्न ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पे इसे ट्रिगर किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटडोर वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ट्रैक, जॉगिंग, ढेर सारे वर्कआउट मोड्स आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे उन्होंने बिल्ट इन GPS इसके अंदर प्रोवाइड किया है। एंड गाइज, ऊपर से नीचे स्वाइप करते क्विक एक्सेस सेटिंग है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आप ब्लूटूथ TWS भी इसकी हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज, नीचे से ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने मिलता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे उन्होंने ढेर सारे विजेट्स प्रोवाइड किए। आप डेफिनेटली यहाँ पे विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड यस, यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्वाइप करते ही भी आपको विजेट्स ही देखने मिलते हैं। सो गाइस, काफी बढ़िया UI आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच में। एंड डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे UI वाला पार्ट इंटरेस्टिंग निकल के आता है। उसी के साथ गाइस, इसका ऐप सपोर्ट भी आपको देखने मिलेगा। ऐप सपोर्ट वाला जो पार्ट है ना, वो हम आगे जाके चेकआउट करेंगे जब भी हमारे पास रिव्यू के लिए इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच स्टूडियो के अंदर आएगी। एंड गाइस, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर में वॉच है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो जो लुक एंड फील है ना इस पर्टिकुलर वॉच का, यहाँ पे सुपर अमेजिंग निकल के आता है। एंड यस, यहाँ पे जो इसके फ्रेम है ना, वो भी कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील की उन्होंने प्रोवाइड किया, जैसे मैंने बताया, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ प्ले स्टोर, ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे यहाँ पे ही टच कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट द बैटरी लाइफ, सो बैटरी लाइफ के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जब भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसे GPS के साथ इंटेंसिव यूज, क्योंकि गाइस ब्लूटूथ कॉलिंग है, एंड्रॉइड वेयर OS आपको देखने मिलता है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बैटरी लाइफ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यस गाइस, स्टे ट्यून फॉर द रिव्यू वीडियो, जहाँ पे हम कंप्लीट इन डेप्थ में इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे यस गाइस, और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। इंडिया में 24,999 की प्राइस में ये पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। एंड यस, यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट दे सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पे आपको डिस्काउंट्स भी देखने मिलेंगे। सो गाइस, ये जो वॉच है एज ऑफ नाउ मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। बट डेफिनेटली गाइस, जब भी हमारे पास वॉच आएगी, हम इन डेप्थ टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही हम एक कंक्लूजन देंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। आपको ये वॉच कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यस गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।